पिछले बरस इन्हीं दिनों लाहौर मोची दरवाजा में हवेली वाजिद अली शाह तक पहुंचे, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। दरवाजे ही से पलट आए, सामने एक खंडर नुमा हवेली में गए थे, मुल्ला मजीद की मस्जिद के पास। इस बार हमारे दोस्त मेहदी काजमी ने बिलाखिर हमें इस हवेली तक जाने की इजाजत दे दी। उन्हीं के तवस्सुत से यहाँ आए हैं। सर अजीब अली सर्दी आ गई थी, फिर गर्मी आ गई है। सर्दी गर्मी है, बोल के छह महीने गर्मी पैंदी है और छह महीने शदीद गर्मी। सर्दी रुड़ा उड़ी को सर, सर्दी चे होंदा ना के मैं आप क्या बताऊं सर, कि बंदा थोड़ा इजी हो जाता है। गर्मी में तो आप देखते हैं कि लोग आपके बालों का सर कमेंट करते हैं कि बाल दे कटा लिया करो सर। सर अभी भी कमेंट आए हुए हैं। तो मैं ना लोगों को आप समझा सकता के थक गया हूं कि जेड़े बाल है ना, बाल दुनिया की हर बड़ी तहजीब के बीच मर्दों के जेड़े बालों का तसव्वुर है वो लंबे बालों का ही है। वो भावें अरबा की तहजीब लै लो, भावें यूरानिया की लै लो, रोमनस की लै लो, ईवन इंडियंस की लै लो, ये जो तुहाडे वाले वाल है ना ऑफिसर कट, ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कराया है। वरना दुनिया बड़े वाल ही मर्दा वजाहत की अलामत होते हैं। हिस्ट्री की तुम गल कर रहे हो, इंडिया वाले कहते हैं कि साढ़े को बड़ी हिस्ट्री है, साढ़े को बड़ी हिस्ट्री है। सर वाकई उन्होंने को हिस्ट्री हैगी? इंडिया में वाकई राजस्थान अजंता लोरा के बारे हैं, वहाँ पे राजस्थान है, वहाँ पे महलात हैं, वहाँ मकाबर हैं, सारे हमसे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री। लेकिन मसला ये है कि वो फिर भी एक्सप्लोर्ड है वो हिस्ट्री, साड़ी तो एक्सप्लोर हो ही नहीं। साढ़े तो हूँ चुबुर जी बने रहे, अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा यार ने तजीलो आरइश की, लोगों को पता लगे चुबुर जी। हमारी हिस्ट्री में मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, टेक्सला है, मुगलों की हिस्ट्री है, कदीम तारीख है, वो अनएक्सप्लोर्ड है ना भाई। तो पहले हम अपने तो एक्सप्लोर करें, फिर इंडिया भी चले जावा। सर छोड़ो हिस्ट्री नो, जब तक तुम मीठा छड़े ना मेरी तबीयत फ्रेश हो गई सर। सुनी वो कहते तुम जो मीठा छड़े मेरी तबीयत ठीक हो गई। हालांकि उन्होंने भाई को पता नहीं है असं मीठा नहीं छड़िया भाई जी, क्या अच्छा मीठा खिलाओ ना कहीं से, अच्छा मीठा जलंधर मोती चूर खाओ, फिर असं खाने की तैयार है। सर तुम साल च एक बार खवाना चाहिए? साल च एक बार खवाया ना, कभी तू काजू का हलवा खवाया हो, कभी अरेबियन नाइट की कोई मिठाई खवाई हो, कभी श्री महल का कोई ऐसा पतीसा खवाया हो, ये सोच रहे कि आगे जाके करना है क्या, सारा कुछ तो किया हुआ। नहीं नहीं आज लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं ना जी, वो हवेली बड़ी जबरदस्त है। मोची दरवाजे की आन बान ही और है। बाजार में दाखिल होते ही ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों की दुकानें, खालिस खोया आतिशबाजी का सामान, और सामने मस्जिद सोले कंबो। 1659 में वजीर खान मस्जिद के फौरन बाद ये मस्जिद बनाई गई थी। कन्हैया लाल तो कहते हैं कि आलमगीर के दौर की दीवारों और मेहराबों पर कांसी का रंग था और हुरूफ लाजवर्दी में लिखे गए थे। ये मस्जिद मरियम जमानी मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई है। तीन गुंबद हैं, मुगल दौर की दीवारें जर्द और खस्ता हाल हैं। अलबत्ता ये वजू करने की जगह और बैरूनी दीवार कुछ नई है। मेरे कम्बो
कौम के बारे में पढ़ा था कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई में पेश पेश थे। खानेवाल में रहते हुए अक्सर कम्बोह लोगों से मिलना जुलना रहता। मेरे हम जमात भी थे और खानेवाल तो भरा पड़ा है कम्बोह बरादरी से। लाहौर में ये लोग शायद कम हैं। बहरहाल बहुत बहादुर और जर्री लोग हैं जनाब सोले कम्बोह। वैसे तो एम्प्रेस रोड लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर के पास मदफून है, लेकिन अब वहाँ सेंट एडवर्ड स्कूल और चर्च है। जनाब सोले कम्बोह ने अमले सोले के नाम से एक किताब लिखी थी। मुगल फौज में सिपह सालार थे, बहुत बड़े आदमी थे। मोची बाजार की रौनकें कायम हैं, दुकानों की पीली रोशनी दिन की मुहूम सी सफेदी से मदगम होकर किसी अल्फ लैलवी बाजार का नक्शा खींच रही है। यूं लगता है जैसे मैं डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर की राख से लिखी गई किताब का कोई किरदार हूं, हकीकत और ख्वाब की दुनिया में गुम, सरीलेस्ट आर्ट का कोई इमेज, धुंधलाए हुए शोख रंगों में सोने और जागने की कैफियत में बिखरा हुआ। पिंसारी की दुकान पर दायमी अमराज के शर्तिया इलाज की तख्तियां, अचार के कनस्तरों से उठती खुशबू, सीख कबाबों का महकता धुआं, लाल खूह में अर्जुन देव की कैदोबंद, रफीक की मिठाइयों की मुहूम सी मिठास, कूचा लठमारा की बेवजह उदासी। मैं चलता चला जा रहा हूं मोची बाजार में, दर्द धुआं खुशबू रोशनी रंग खाबीदगी और जागने के दरमियान मौलिक चलता चला जा रहा है। गैब गैब जिसको समझते हैं हम शहूद, हैं ख्वाब में हुनूज जो जागे हैं ख्वाब में। बैंड बाजे की आवाज ने यकलख्त शऊर की रौ का सिलसिला तोड़ दिया। एक हंगामे पर मौकूफ है घर की रौनक, ढोल पीट कर मौसीकियत पैदा करना भी शायद आर्ट हो, लेकिन सच्ची बात है मुझे तो इससे वहशत होती है। लेकिन थोड़ी देर सुनता रहूं तो एक्साइटमेंट, मेरी इस जबिल्लत को तस्कीन मिलती है जो शायद जंगलों में रहने वाले अजदाद से इनहेरिट की। बस यही सोचता मोहम्मद हुसैन लाइब्रेरी के सामने चौक नवाब में आ खड़ा हुआ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या लोग थे, आलम जुनून और दीवानगी में भी वो इल्मी काम किए जो लोग आलम फरजानगी में भी नहीं कर पाते। आब हयात समेत बहुत सी कुतुब लिखे हैं, मौजूई मुशायरे शुरू किए, मजलिसी तनकीद की रिवायत डाली, उर्दू नज्म व नसर के असालीब दरियाफ्त किए। किसी भी लॉग में उनकी कहानी बताऊंगा आपको बहुत तफसील से, कैसे उनके वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर को फांसी दी गई, कैसे वो दिल्ली से निकले, भागते भागते गिरते पड़ते छुपते छुपाते लाहौर पहुंचे, फिर लाहौर के होकर रह गए। फिलहाल मुबारक हवेली से गुजरता हूं जहां महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा से कोहनूर हीरा पगड़ियां बदल कर लिया था। खलीफा बेकरी से जरा पहले खमीनी अस्पताल के सामने गली में मुड़ जाइए। मुल्ला मजीद की मस्जिद के पास से गुजरा हूँ। 1829 में मुल्ला मजीद ने यह मस्जिद बनवाई थी, लेकिन खुद तामीर के दौरान ही फौत हो गए। लोगों ने चंदा जमा करके 1877 में मुकम्मल की। लीजिए साहब हम आ गए हैं हवेली वाजिद अली शाह में, मोहल्ला चहल बीबियां, अंदरून मोची गेट। एक वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे, जिनकी हवेली भाटी गेट में है। इस हवेली के मालिक वाजिद अली शाह के जद्दे अमजद ईरान से तशरीफ लाए थे, अदब दोस्त इंसान थे। इस खानदान का ताल्लुक लाहौर के मारूफ फकीर खानदान से जुड़ता है।
सैयद महबूब बेगम जो कि सैयद मुबारक बेगम की बहन थी, इस खानदान के रियाज अली शाह साहब से ब्याही गईं। उन्हें जहेज में कुछ बहुत ही मुकद्दस तबर्रकात मिले जिनका ताल्लुक बकौल इस खानदान के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। जनाब अली मुर्तज़ा और जनाब मोहम्मद अली अब्बास का कहना है कि उनका ख़ानदान यह तबर्रकात रबीउल अव्वल के महीने में बरामद करता है। उनकी तकदीस और हिफाजत के पेश नज़र सिर्फ ख़ानदान के लोग ही इन तबर्रकात की ज़्यारत करते हैं। रिवायत यह है कि 1400 बरस पुराने तबर्रकात उस वक्त मुस्तनद माने जाते हैं जब इनके साथ बादशाहों की असनाद मौजूद हों। बहरहाल मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि इन तबर्रकात के बारे में बात भी कर सकूं। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है अगर ये तबर्रकात यहाँ इस हवेली में मौजूद है। यह वाहिद हवेली है जो एक ही खानदान की मिल्कियत रही। वॉल्ड सिटी में यह बहुत कम देखा गया है कि सैकड़ों बरस पुरानी हवेलियां एक ही खानदान की मिल्कियत रहें। दूसरी खास बात इस हवेली की यह है कि इसकी तामीरें नौ नहीं हुई। हम देखते हैं कि बारूद खाना हवेली, हवेली आसिफ जाह और हवेली वाजिद अली शाह भाटी गेट किसी तौर शिकस्त रेख्त और तामीर नौ के अमल से गुजरी हैं, लेकिन ये हवेली अपनी असल हालत में मौजूद है। इसका हौज, कमरे, छतें, दर दीवार, बालकनीज, झरोके, राहदारियाँ, बरामदे, सुतून, सब के सब चूँ के तू मौजूद है अपनी असल हालत में। इस हवेली के मकीन पढ़ लेकर अमरीका और यूरोप में बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं सैयद मोहम्मद अली अब्बास तो रोड्स स्कॉलर हैं, ऑक्सफोर्ड से फारिग तहसील हैं, आजकल वाशिंगटन डीसी में IMF मिशन से वाबस्ता हैं, ऑक्सफोर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ाते रहे हैं। सैयद अली मुर्तज़ा भी ऐसी नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत हैं, लेकिन ये उन चंद खानदानों में से है जो आसमान छूने के बावजूद अपनी रिवायतों से जुड़े हुए। ये सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, मजालिस का अहतमाम करते हैं, तबर्रुकात की ज्यारत करते हैं, हवेली में अपने अजदाद की यादें समेटते हैं। यहाँ एक अंग्रेज नसर निगार, तंज निगार जोनाथन स्विफ्ट की छोटी सी तस्वीर ने मुझे चौंका दिया। खुद जनाब वाजिद अली शाह बहुत सुखन फहम थे, अदब शनास थे, जैसे कि मैंने पहले बताया। ये पोर्ट्रेट है सैयद दिलावर अब्बास साहब का जो हैदराबाद दक्कन में कहीं थे, बहुत बड़े होते पर फाइज थे। इस खानदान का ताल्लुक हिकमत से भी है, बड़े बड़े ओहदों से भी है। वज़ा क़ता लिबास मतानत और वक़ार देखी, एक अहद है जो आंखों के सामने से गुजर जाता है। इसी खानदान के सैयद तजम्मुल अब्बास शाह सरगोधा के डिविजनल कमिश्नर थे। उन्हें 90 की दहाई में सेक्टेरियन वायलेंस का निशाना बनाया गया। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब घुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम, लब पे हरफे गजल दिल में किंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे उस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए। फैज साहब की शायरी हमें जहां से हमें जहां का सफर है, इनकलाब और इंसानी आज़ादी के तसव्वुर से रोमांस है, और इस रोमांस के लिए दर्द के फासले मुख्तसर करते हैं, उस शाक के काफलों की नवीद देते हैं, तने दाग दाग लुटाने पर इसरार करते हैं, संग समेटने पर उकसाते हैं, कंदीले गम जलाते हैं और चरागाह कर लेते हैं। इस हवेली के मकीन भी दर्द के फासले कम करने में पीछे नहीं रहे। बाहर खमीनी हस्पताल इस अमर का गम्माज है। शौक का इम्तहान देखिए कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में चेयर रखते हैं, लेस प्रिविलेज्ड तलबा को वज़ाइफ देते हैं। ये लोग अश्क से आकबत संवारते हैं, और क्यों ना संवारें,
फकीर खानदान से रिश्ता जो ठहरा, खुद बहुत बड़े लोग हैं और फिर फकीर खानदान से रिश्ता। ये लोग ईरान से आए हैं और फकीर खानदान बुखारा से, बुखारा से मुल्तान और फिर लाहौर। दोनों खानदानों के दरमियान 3 शादियां हुई हैं। सबसे पहला रिश्ता जुड़ा है सैयद महबूब बेगम की रियाज अली शाह साहब से शादी के बाद। सैयदा महबूब बेगम जनाब सैयद बाबर अली की जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने लम्स की बुनियाद रखी है और नक्श आर्ट स्कूल की बुनियाद रखी है, उनकी खाला थी। इस खानदान का यह दावा है कि निसार हवेली और मुबारक हवेली के दरमियान ज़ियारत निकालने पर किसी वजह से जब तातुल रहा तो ज़ियारत इसी हवेली से निकला करती थी। वैसे भी ये हवेली ज़ियारत के रास्ते में पहला पड़ाव है, आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी जब लाहौर में बसंत का त्यौहार मनाया जाता तो इस हवेली की छत पर रौनक लगी रहती। ईद का समा होता, आसमान नीले पीले सफ़ेद और अरगवानी पतंगों से भरा कैनवस दिखाई देता। रिश्तेदार दूर दूर से बसंत मनाने आते। इस ईंट को ही देखिए, यह असलन यहाँ इस्तेमाल की गई है और देखिए अब तक कैसी अच्छी हालत में मौजूद है। ईंट तो देखो मोटी ईंट है सर, नहीं जाली वाली। तो भाई देखिए मोटी, ये देखिए बड़ी। जैसे आप ये भी देखिए कि इसके अंदर उन्होंने क्रॉसिंग ऐसी है कि ऐसे आप अगर आप बैठे भी होंगे तो ना ऐसे वो नहीं आएगा, बाहर से नजर नहीं आएगा। हाँ। क्रॉसिंग भी होगी हवा। हाँ वो कुछ इसके कुछ ये हमने कले में भी देखा, शाही कले में दीवाने खास में भी ऐसे है। जब कभी इर्द गिर्द दीवारों का देव नहीं था तो नानक शाही इंटों से बनी मुख्तलिफ हवेलियों का नजारा बहुत दिलफरेब होगा। मैं एक बार फिर ऊपर आया हूं छत पर और यहां से नीचे पीपल के दरख्त वाली हवेली देखता हूं जहां मैं पिछले बरस आया था। एरियल व्यू अब तो घरों का एक लामतराही सिलसिला है हर तरफ। किसी जमाने में दूर दूर तक कुछ नहीं होगा। नीचे चलते हैं, सीढ़ियां मुगल और सिख दौर की हवेलियों की बनस्बत जरा कुशादा हैं। इस हवेली में एक तहखाना और एक सकावा भी है। सकावा यानी कुआं, अब किसी वजह से वो बंद कर दिया गया है लेकिन कुआं बहरहाल मौजूद था। इस हौज की वजह से इसे हौज वाली हवेली भी कहते हैं। मुगल सिख और मुस्लिम तर्ज तामीर का बुनियादी वस्फ एक ही है और वो है वसत। बड़ा सा सहन, चारों अतराफ कमरे, हवा और रोशनी का बेहतरीन इंतजाम, बड़े सुतूनों पर कायम ऊपरी मंजिल, हर कमरे से मुत्तसिल एक छोटा कमरा खासतौर पर ऊपरी मंजिल पे, यही तर्ज तामीर है। उम्दा लकड़ी की खिड़कियां और दरवाजे, बड़े बड़े ताकचे और बड़ा सा एक दरवाजा जिस पर वुमन डिजाइन बने होते। हिंदू तर्ज तामीर जरा फर्क था। हिंदू हवेलियों में सीढ़ियां जरा तंग और ऊंची, छोटा बरामदा, ऊंची छतों वाले तंग कमरे और तंग डेवड़ी हुआ करती थी। कमरे बहरहाल ज्यादा हुआ करते थे जो बीच ही बीच खुलते चले जाते। कूचा राम द्वारा, कूचा बेली राम, कूचा कृपा राम, यहाँ की सब हवेलियां ऐसी हैं। हम ये सब हवेलियां दिखा चुके हैं। अलबत्ता राय बहादुर करमचंद पूरी हवेली की बात कुछ और है। वो इसी तर्ज पर बनी है जिस पे मुगल और सिख हवेलियां हैं। हवेली वाजिद अली शाह मोहल्ला चहल बीबियां से निकले तो बहुत ही मोहब्बत करने वाले दोस्त सैयद नवीद शाह साहब मिल गए। उन्होंने बताया कि एक ऐसे खानदान से मिलाएंगे जो असलन और कानूनन बादशाही मस्जिद के मतवल्ली हैं, केयर टेकर हैं, क्योंकि बादशाही मस्जिद महाराजा रंजीत सिंह ने उनके जद्दे अमजद जनाब सैयद शाह वली को तोहफतन दी थी। खैर हवेली मानसिंह पहुंचे हैं,
शाहजी तो बेधड़क यहाँ अंदर आ गए हैं, मेज़बान मेरा ख्याल है आराम फरमा रहे हैं। लीजिए शाहजी सैयद साहब से मिलवा कर ही दम लेंगे। ये है जनाब सैयद ज़ुल्करनैन साहब, इनके पास बैठे हैं। ये हकीम की थी, इस खानदान की परवाह, और ये ठंडा पानी इनका अपना घर का है। ये वैसे इसमें पता नहीं डाला हुआ ठंडा पानी कि नहीं है। आप जो हैं हमारे बड़ों को मिलके तो इंशाल्लाह खुश होंगे। जी जी जी। और ये हिस्ट्री ऑफ लाहौर जो है वो सारी उनके पास है। अच्छा, ये जो बिग जो है हमारा जो खानदान है वो हिस्ट्री ऑफ लाहौर में इसका पार्ट है। ये हाथी हवेली है, हवेली मान सिंह। आपको ये हवेली दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जहाँ हमें जिनसे मिलना है वो शायद आराम फरमा रहे हैं या घर पर हैं ही नहीं। बहरहाल गपशप का एक दौर चलता रहा। हमारे खाना ये सामने उनका घर है, बिल्कुल सामने सही है। किस दौर की बात है ये आप कह रहे हो? ये तो जब महाराजा रणजीत सिंह की बेटी थी, ये उस वाले जमाने की बात है। ये जाई बीबी का थी ना, अम्मा जाई की। अब अंदरून किसी के यहाँ मेहमान जाए और तवाज़ो ना हो मुमकिन ही नहीं है। तवाज़ो भी ऐसी कि क्या किसी ने कीमे वाले नान खाए होंगे। सैयद ज़ुल्करनैन ही बताएंगे कि क्या लवाजमात हैं इस लजीज नान में जो मुंह से उतरता ही नहीं। शाहजी इतना लजीज नान है ये, और मैंने दो नान खा लिए हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भारी भर नहीं हुआ। इसमें है क्या क्या? इसमें बेसिकली ये तुम्हारी स्पेशलिटी है एक फकीरिया नान शॉप की। इसमें हम लोग डालते हैं जाफर, जलबत्री, मगर चारे, उसके बाद है इसमें अजवाइन, इसमें है नारदाना, सूखा धनिया, फिर इसको जब मिक्स ब्लेंड करते हैं उसमें कीमे के अंदर ब्लेंड करके तो फिर इसमें डालते हैं इसको। जबरदस्त, वही सारी डाइजेस्टिव है हर चीज़। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि बंदे को बीमार होना हो या उसको हेल्थी हो जाए या हैवी हो जाए। ये जूद हजम है बिल्कुल। आपने ये गर्म गर्म आप चार भी खा जाएंगे तो आपको नहीं अंदाजा होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भारी पानी। तो इसको आप लेके जाएं, इसको के ठंडा भी अगर हो गया इसको ओवन में आप जस्ट सिंपल रखें। अच्छा। उसको जरा दो तीन चक्कर दिलाएं, ये फिर फ्रेश का फ्रेश है। जबरदस्त। तो इसके सामने नहीं कुछ भी नहीं है। पिज्ज़ा पिज्ज़े का और चिकन का मीट के साथ मुकाबला नहीं। बड़े बड़ी दूर से दुनिया जो है टाउन से इधर उधर से स्पेशली आते हैं पे बैठ के गर्म नान खाने के लिए। अच्छा, इस वक्त उनके वालिद मौजूद नहीं हैं। बहरहाल हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि उनका बादशाही मस्जिद से क्या ताल्लुक है, वो क्यों ये क्लेम करते हैं कि बादशाही मस्जिद के असल मालिक ये हैं, केयरटेकर ये हैं, मतवल्ली ये हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें इस मस्जिद पर इख्तियार क्यों दिया? क्या खिदमात हैं इनकी महाराजा के लिए? किसने किस कानून के तहत 90 की दहाई में मस्जिद का असल मतवल्ली माना? उनका शजरा नस्ब कैसे जनाब शाह वली से जा मिलता है? ये सब बातें हम करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, अपने कमेंट कीजिए, राय दीजिए। आपके कमेंट्स, आपके राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। आप उसी रहते हैं? शाल में अंदर रूम पे करें प्रोग्राम, शाल में अंदर रूम पे।